अपोजिट पोल की तरफ, तो ये क्रोमोसोम को पुल करते हैं। अब ये इसको इस तरफ पुल कर रहे हैं और ये इसको इस तरफ पुल कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है देखो, ये जब क्रोमोसोम को, ये वाले जो टिब्यूल है ये क्रोमोसोम को इस तरफ लेके जा रही है, ये उसको उधर पुल कर रही है, इनकी डायरेक्शन ये है, और ये जो दूसरे हैं ये इनको इस तरफ पुल कर रहे हैं, ये इनको इस तरफ लेके जा रहे हैं। रिजल्ट क्या होता है इसका, ये जो क्रोमोसोम है ये सेंट्रोमियर वाली जगह से जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, और जब ये सेंट्रोमियर वाली जगह से डिवाइड हो जाते हैं तो उससे क्या होता है जनाब, ये आधे क्रोमेटिड जो कि दरअसल क्या है, ये जो क्रोमेटिड है ये दरअसल क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम जो है इक्वल नंबर में इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और ये क्रोमोसोम दो अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, आधे क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जा रहे हैं और आधे क्रोमोसोम जो है ये दूसरे पोल की तरफ जा रहे हैं। एनाफेज जब खत्म होती है तो ये क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पर पहुंच चुके होते हैं, और जब ये ऑपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे तो स्पिंडल फाइबर्स का काम जो है वो खत्म हो गया, इन स्पिंडल फाइबर्स का काम ही ये था कि ये क्रोमोसोम के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में मदद दें, और आपने देखा कि आधे क्रोमोसोम जो है वो एक पोल पर और आधे यानी उसी तरह के दूसरे पोल की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, यानी ये जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम थे इनकी सेपरेशन हो गई और अब ये इक्वल नंबर में दो अपोजिट पोल पे जा रहे हैं, और दोनों में जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे की कॉपी है, इसलिए इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम होंगे। यहां पर एनाफेज में जब क्रोमोसोम को ऑपोजिट पोल की तरफ पुल किया जाता है, एनाफेज में जब इन क्रोमोसोम को ऑपोजिट पोल की तरफ पुल किया जाता है तो सेल एलोंगेट हो जाता है, यानी इसकी शक्ल जो है वो लंबी हो जाती है, और